चूंकि वो बीजेपी को कुछ बोल नहीं पाते हैं चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते हैं इट इज हिज जॉब नेशनल कॉन्फ्रेंस को गायट मीन मीन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है पहले ही पता होता है यहाँ की सियासत के बारे में और ये लोगों को देखिए देखिए ये लोगों लोगों से फिर छुपा छुपा रहे हैं लगाते हैं ये अगर आप कोई भी अखबार देखेंगे उसमें अल्ताफ बुखारी भी है अपनी पार्टी का उसमें बीजेपी जम्मू भी है जो कहती है कि ये लोग तो ये है ये टेररिस्ट सपोर्टर है और उसमें पोलिटिकल पार्टी और लोगों में आपसी का ताल

अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें एक बहुत पुरानी पार्टी है वादी कश्मीर की उनका उनकी बयानबाज़ी जो है वो सोशल मीडिया पर अब दिन ब दिन काफी आने लगी है चाहे हम उनकी प्रेसिडेंट की फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें या उनके वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें उनकी जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है इफरा जान जो कि अपनी बयानबाजी की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उजागर रहती है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा छाई हुई रहती है इफरा जान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है क्योंकि इनकी जो बयानबाजियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर छाई हुई रहती है कवाल इफरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दिल्ली से कल ही आए और आपने अपना एक कीमती वक्त कश्मीर ग्राउंड को दिया पहले हम आपको इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए अपना एक वक्त निकाला मेरा सबसे पहला सवाल अहम सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर काफ़ी इल्जाम लगे हैं क्योंकि आप आ, डिलिमिटेशन के हवाले से जो है आ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मगर यह भी आप पर इल्ज़ाम लग रहा है चाहे सरजाद गनी लोन साहब हो या और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि आ, जो डिलिमिटेशन प्रपोजल है ये नॉन चैलेंजबल है सुप्रीम कोर्ट में okay. देखिए पहली बात आपने बार बार बोला कि इफ्रा जान जो है वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है पार्टी की तरफदारी करती है आप मेरा एक एक बयान अभी तक निकालिए पार्टी में तो मुझे छह महीने हो गए हैं मैंने यहां के लोगों के लिए बात की है as a part of national conference, because national conference talks for people. Whether we talk about the rights of people over their land, whether we talk about domicile, whether we talk about the jobs to these people, whether we talk about the fake encounter which happened in Hyderpora, या जहां पे भी यहां के लोगों के साथ जहां यहां एक एक बच्चे को यूएपीए में अरेस्ट कर देते हैं आज जब हर किसी को डर लग रहा है बीजेपी के सामने बात करने से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहां के लोगों के लिए बात की है क्योंकि हम लोग भी यहां की सोसाइटी का पार्ट है तो ये कहना कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बात करते हैं ये आधा सच होगा हम यहाँ के जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए नेशनल तो आप कह रहे हैं यहाँ के लोगों का इल्ज़ाम लगा रहा है जब मैं नेशनल टेलीविजन शाम को देखती हूँ और खोलती हूं वहां पे हम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को गालियां कौन मार रहा होता है अर्नब गोस्वामी संबित पात्रा बीजेपी और बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स अब तो वो जो नए नया कश्मीर के वो कुछ जर्नलिस्ट थे जो आए थे पैराशूट करने के लिए वो भी हमको बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस डिज एग्जिस्ट इट्स दिस इट इज डैट यू नो जर्नलिस्ट राइट हु वर सेंट राइटर नॉर्मल दिखाने के लिए अब वो भी शुरू हो गए सो so ये कहना कि यहां के लोग आप पे इल्जाम लगाते हैं नहीं सर यहाँ के लोग जो हैं वो बीजेपी नहीं है बीजेपी जरूर हम पे इल्जाम लगाती है बीजेपी हर रात हमको गालियां मारती है नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो टारगेट बीजेपी को कर रही है। National Conference इस टाइम पे इवन इफ यू आस्क सम चाइल्ड ऑन द स्ट्रीट यू नो अगर आप छोटे बच्चे के पास अभी जाएंगे उसको बोलेंगे व्हाट इज द पॉलिटिकल सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर एट दिस पॉइंट इट इज बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और रियलिटी आपको पसंद हो ना पसंद हो आपको नफरत हो बट रियलिटी आप उसे बदल नहीं सकते ना इस टाइम द रियलिटी इज इज इट अ कॉन्टेस्ट बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द बीजेपी तो so जो आपने PG, पी बनाई थी उसमें पीडीपी भी शामिल थी या पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी तो तब भी आप लोगों ने यह कहा था कि पीएचडी वर्सेस बीजेपी ठीक है आप इस टाइम ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी आपके जो तालमेल है आपके जो आंसर्स का तालमेल है ये मिल नहीं रहा है बिल्कुल नहीं मिल रहा है पीएजीडी जो है इस टाइम पे उसमें अगर आप पार्टीज देखेंगे वोट शेयर के हिसाब से वोट शेयर के हिसाब से यू कैन इवन आस्क अदर पीएजीडी मेंबर्स हु इज द बिगेस्ट वोट शेयर किसको मिलता है इस पोलिटिकल पार्टी में एंड इट इज इट हैपन्स टू बी नेशनल कॉन्फ्रेंस एज फार एज अस बीग अ पार्ट ऑफ द पी अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं आप पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे को क्यों लड़ते हो आपने भी सुना होगा एक दूसरे से क्यों लड़ते हो आप एक रूफ के अंडर कलेक्ट हो कि क्यों नहीं लड़ते हो बीजेपी के साथ वही तो किया है हमने पीएचडी में जो पॉलिटिकल पार्टी है चाहे हमारे भी पीडीपी पी के साथ आपसी इख्तलाफ मैं नहीं कह रही हूँ है मैं कह रही हूँ लेट्स अज्यूम चाहे सी पी आई के साथ हमारे आपसी इख्तलाफा अवमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो बट वट वी आर डूइंग एट दिस पॉइंट इसकी एक छत के नीचे हम वो इख्तलाफ जो आपस में है वो भूल रहे हैं आपस में उनको पीछे रख रहे हैं चाहे ठीक है डिसअग्रीमेंट होती है डिसअग्रीमेंट दो बाइयों को भी आपस में होती है एक घर में भी आपस में डिसग्रीमेंट होती है ना बाई को बाई के साथ अलग अलग ये होते हैं लेकिन द आइडिया एक रूफ के अंडर रहो और बीजेपी के साथ मुकाबला करो एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग आप ये ठहरा रहे हैं कि बीजेपी आप लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है बिल्कुल भी नहीं किसी से लड़ने का मतलब ये नहीं होता है और इस टाइम पे बीजेपी जो है वो एक नेशनल पार्टी है इस टाइम पे बीजेपी जो है लोकसभा में हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो सबसे ज्यादा कैडर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है ना मेरी बात अभी भी तो है नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो सबसे बड़ा कैडर इस टाइम माना जाता है एग्जैक्टली exactly, जब मैंने बी डी कॉन्फ्रेंस या दूसरी आवामी इतिहादी पार्टी हो या और कोई हो Uh, सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल कैडर uh, है वो तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कश्मीर uh, कश्मीर में कश्मीर खिते में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अगर आप इलेक्टोरली जमीन पे देखेंगे इलेक्टोरली इट इज बिटवीन द नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड द बीजेपी यही मेरा मतलब था जहां तक आप कहते हैं कि बीजेपी क्या इस टाइम पे स्ट्रांग है आई थिंक यू हैव टू बी वेरी नाइव टू से वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अभी आप देखिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कितने पावरफुल हैं एट दिस पॉइंट वो पावर उन्होंने किन किन हथकंडों से अपनाया उन्होंने मतलब दे कॉन्स्टिट्यूशन की धजियाँ उड़ाई सुप्रीम कोर्ट को किसी को कुछ सुन नहीं रहा है उन्होंने क्या क्या यूज़ किया डैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी बट दिस रिमेन्स अ रियलिटी कि इस टाइम पे दे आर पावरफुल एंड वी हैव टू गेट टूगैदर टू फाइट दैम देर इज़ नो इफेंट बट आइदर इस पॉइंट पे या तो आप उनके साथ हैं या तो आप हमारे साथ नहीं नहीं देखिए आप ये पॉइंट आउट बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम उनके साथ हैं या नहीं। आपके साथ है आप तो मैंने हम ही नहीं नहीं यू आर आस्किंग मी कि आप हमारे साथ no, हैं या उनके साथ देखिए, देखिए हमें ग्राउंड लेवल एग्जैक्टली हमें आिस्था हम hmm. की की उन, उनकी जो hmm. पॉलिटिकल लीडर्स है, है वो क्यों निकल रहे हैं पी से अगर हम हाल ही में बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपके जो, आ, जो द, द, दविंदर रैना साहब है hmm. या सजाद गनी लोन साहब है वो भी आपके साथ पहले थे तो उन्होंने क्यों पी से आ, अपने कदम पीछे हट, हटा लिए देखिए आप बीजेपी जैसे देवेंद्र राणा की बात हो गई या पीएजीडी से निकलने की बात हो गई आप बीजेपी पी जो है इट्स अ फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी इट्स अ फ्रंट अगेंस्ट व्हाट बीजेपी डिड ऑन अक्टूबर अगस्त फाइव 2019 आप कहेंगे कि मैं बीजेपी के साथ हाथ मिला लेता हूं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें आप अपने लोगों के साथ गद्दारी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें जिसको गद्दारी करनी है वो गद्दारी करेगा जिसको यहां के लोगों के साथ खड़ा होना है वो यहां के लोगों के साथ खड़ा होगा अगर चार लोग हैं अगर इन चार लोगों में से तीन चार लोग निकलेंगे जंग के मैदान में ठीक है ना इन चार लोगों को बहुत सारी चीजें सहनी है इन चार लोगों को गालियां भी सहनी है इनको मार भी सहनी है इनको कहीं ना कहीं हर किसी की मार सहनी है अगर इसमें से एक आदमी जंग के मैदान से भाग के दूसरे साइड से चला जाता है आप इन तीन लोग जो डटे हुए हैं उनको तो नहीं बोल सकते हैं ना तो मुझे लगता है कि जहां पर आप, आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं सबसे पहले मुझे लगता है एक बुनियादी चीज होती है कि लोगों में आपसी का पॉलिटिकल पार्टी और लोगों में आपसी का तालमेल

वो तो पहले जहाँ तक मुझे याद है वो शायद पहले हुरियत के साथ भी पहले जनता पार्टी के साथ थे जब बीजेपी नहीं हुआ करती थी तब जनता पार्टी हुआ करती थी उसके बाद वो शायद हुरियत के साथ भी आ गए उसके बाद वो शायद फिर गिलानी साहब के साथ भी उनका बहुत तजाद शुरू हुआ वो जो कुरान शरीफ़ पे उन्होंने वो हाथ वात रखा था और गीलानी साहब को झूठा बोला था इल्ज़ाम लगाए थे उसके बाद वो राम माधव जी जो हैं बीजेपी के सीनियर प्रेसिडेंट लीडर उनके भी बहुत करीब हो गए तो उनका तो मतलब वो उनका अब उसके बाद पीएचडी में आ गए फिर पीएचडी से निकल गए आई थिंक यू नो अगर आपको किसी को बोलना है कि इतने ज़्यादा यू टर्न्स क्यों हैं वो आप बाकी लोगों से नहीं पूछ सकते हुए तो सवाल आपको जाके उनसे करना है कि आप जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन की बात आती है फॉर एग्जाम्पल यही पोलिटिकल पार्टी जो थी यही इंसान जो था इसने कुछ टाइम पहले जुलाई में या अगस्त में मैं आपको हिंदू का वो अखबार निकाल के दूँगी उसमें कहा था कि मुझे डिलिमिटेशन कमीशन पे पूरा भरोसा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डीलिमिटेशन कमीशन पे अफवाबाजी कर रही है क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि हमको इनकी नीयत पे शक है।, है मतलब वी वर अनश्योर अबाउटियसली वी न्यू वेयर दिस वाज गोइंग और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पहले दिन से डीलिमिटेशन के लिए बयान निकालिए पहले दिन से वी वर लाइक ये पार्टी हमको ठीक नहीं लग रही है ये कुछ गड़बड़ है ये लोग यहाँ के लोगों को डिसम्पावर कर रहे हैं वी सेट दिस ऑन रिकॉर्ड यही आदमी आए यही इंसान आए और उन्होंने हिंदू को बयान दिया कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस डीलिमिटेशन के खिलाफ जो है तो दविंदर, तो दविंदर रहना की नियत पे आपको शक नहीं, नहीं था इसने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डीलिमिटेशन के खिलाफ अफवाबाजी कर रही है कि ये कश्मीरियों को डिस करेंगे और ये डिलिमिटेशन जो है उनको आ, मतलब सजाद लोन साहब को पीसी को 100 परसेंट भरोसा है इस चीज़ पे और अपनी पार्टी जो है फिर वो ललित में भी मिले उनसे अपनी पार्टी जो है अलताफ़ बुखारी साहब उन्होंने भी ललित में उन्होंने तो कभी इजहार नहीं किया उन्होंने कहा वी कम्पलीटली ट्रस्ट दिस डिलिटेशन कमीशन ये पी का बयान था अलताफ़ बुखारी साहब भी मिले आज वही लोग जो कल तक हमको कहते थे डिलमिटेशन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अफवाहबाजी क्यों कर रही है आज हमको बोल रहे हैं जी हम तो डीलिमिटेशन के खिलाफ हैं तो ये जो यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न okay, अपनी पार्टी जो है इट ऑल्सो अगर जैसे पीडीपी को अगर आप देखेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी लेकिन पीडीपी डी ऑल्सो पहले दिनों से उन्होंने बयान दिया साफ साफ कि हम अनश्योर हैं ये ठीक लोग नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले दिन से बयान दिया ये लोग ठीक लोग नहीं है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले दिन से बयान दिया ये लोग ठीक लोग नहीं है ये एक पुलिट, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना स्टैंड जो है साफ साफ तौर पर जाहिर किया दो पॉलिटिकल पार्टी थी एक पीसी जिन्होंने बाहर आके इनको सपोर्ट किया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी अपनी पार्टी अलताफ बुखारी देखिए नॉन चैलेंजेबल जो होता है कोई भी पहले तो असम डिलिमिटेशन कमीशन जो था वो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो वकील होता है उस वकील को अपना काम करने दीजिए वकील जो होते हैं वो काफी हद तक मेनूवर कर पाते हैं क्लॉज को कहीं से वो कुछ क्लॉज निकालते हैं कहीं से कुछ निकालते हैं और ये कहना कि कोई चीज जो है अगर आप मैं एज अ लॉयर भी मतलब आपको बात बोल रही हूं कभी कभार जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ जो है जुडिशली चैलेंजेबल नहीं है जैसे आ, हम देखेंगे शेड्यूल नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो लॉ रखा जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते ये रूल था एक आदमी यही रूल लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया और कहा क्यों नहीं कर सकते हैं हम चैलेंज ये तो रूल ही गलत है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस केस में वापस आके बोला कोल हो केस था एक्चुअली नाम था उसका और उन्होंने कहा नहीं ये रूल ही गलत है कि कोई लॉ जो है अनचैलेंजेबल हो सकता है और आज से हम इस रूल को खारिज कर देते हैं और हर लॉ जो है जो आर्टिकल जो आप शेड्यूल नाइन में रखेंगे वो चैलेंजेबल है तो इसी तरह से ये कहना कि ये अनचैलेंजेबल है नहीं ऐसे बहुत सारे लॉज थे जो अनचैलेंजेबल थे लेकिन अगर आप आई हर कोहलो केस देखेंगे अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, के केसेस देखेंगे केसवानंद भारती केस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा ये कौन रूल बनाता है कि ये चैलेंजेबल नहीं है ये ये चीजें जो पार्लियामेंट कहती है चैलेंजेबल नहीं है हम कहते हैं चैलेंजेबल है ले आओ हमारे पास सो यू हैव टू सी दैट देर इज अ प्रॉपर केस हिस्ट्री व सुप्रीम कोर्ट टेकन अप केसेस वेर विच ऑन द लॉ इट्स एल्फॉर अनचैलेंजेबल बट द सुप्रीम कोर्ट सेड नो वी डोंट अग्री विद द लॉ दैट वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो ये कहना कि ऐसा हो नहीं सकता है? नहीं हो सकता है हम एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे मतलब अगर चार चीजें हम कर सकते हैं अगर एटलीस्ट वी विल देर इज नी विलीव अनटचड अगर कोई हमें कहेगा नहीं हो सकता है, हम कहेंगे least हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको हम नहीं छोड़ेंगे ना तो हम media को छोड़ते हैं अगर media आज इट इज़ वेरी ईज़ी आज के ज़माने में आपको पता ही है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो कितनी टेरानिकल है आपके मुँह से कुछ ऊपर नीचे निकल जाएगा आपको यू में बंद कर देंगे यू नो जर्नलिज्म का क्या हाल है जर्नलिस्ट का क्या हाल है मीडिया का क्या हाल है आज एक बहुत छोटी ऑपोजिशन बची है जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रही है मैं चाहती हूँ कि उस ऑपोजिशन को नहीं दबाइए उस ऑपोजिशन को बोलने दीजिए उनको डिसक्रेडिट मत कीजिए बिकॉज जो वो जब वो बीजेपी के खिलाफ बयान देते हैं दे डू इट एट यू नो दे डू इट एट अज कॉस्ट रेड़े पड़ती हैं उनके बच्चों को उठाया जाता है जेलों में बंद कर दिया जाता है तो आज बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहे आप कोर्ट में लड़ें, चाहे आप इस तरह से मीडिया के नरेटिव में लड़ें, ये एक बहुत बहुत मुश्किल काम हो गया है और जो थोड़ी सी ऑपोजिशन हमारी बची है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस पर काफी ज्यादा इल्जाम लोग आय कर रहे हैं लोग नहीं देखिये इफराजी आप ये लोग कौन है ये मैं पूरा नहीं बता सकता ग्राउंड लेवल पे काफी ज्यादा आप पर लग रहे हैं बीजेपी हम पे इल्जाम लगा रही है बीजेपी के करीब जो लोग हैं वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे इट इज बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक और सवाल यहां पर पैदा होता है इफराजी डिलिमिटेशन का प्रपोजल जो है वो हाल ही में आया कुछ दिन पहले ही आया तो अब जो आपके सीनियर लीडर थे जम्मू से रिप्रेजेंट करते थे दविंदर रैना साहब उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि डिलिमिटेशन का प्रपोजल जो है एनसी की तरफ से आठ महीने पहले गया था और उन्होंने जो है मीडिया के सामने वो प्रपोजल जो है रखा था कि उन्होंने जम्मू को रिप्रेजेंट किया था एसटी एससी शेड्यूल कास्ट को जो है रिप्रेजेंट किया तो कश्मीर को क्यों नहीं किया गया वहां पर पहली बात तो Obviously, अगेन सवाल और ताना जो आया है बीजेपी की तरफ से आया है क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जो है इस टाइम पे बीजेपी वो, वो उस टाइम देखिए देखिए आप मेरे वर्ड्स नहीं ले रहे हैं आर आर वर्ड्स आप इनको क्लियरली सुनिए हाँ। मेरे वर्ड्स ये है कि उस टाइम देविंदर रैना साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे ठीक है आठ महीने पहले या नौ महीने पहले डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था तो तब वो आ, जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंस में ने ने? नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है पहले ही पता होता है यहाँ की सियासत के बारे में, में और में ये लोगों को देखिए देखिए ये लोगों लोगों से फिर छुपा छुपा रहे हैं नेशनल अगर आप हमारा प्रपोजल डिलिमिटेशन का देखेंगे वो वही प्रपोजल था कि यहाँ पे दो जिस बात पे हम लोगों को शक था कि ये लोग 2011 का जो सेंसस है उसको ये लोग सीरियसली नहीं लेंगे अगर आप हमारा प्रपोजल टू डिलिमिटेशन तो कमीशन देखेंगे विच वॉज गिवन हम लोगों ने पहले वो पब्लिक को दिया और पब्लिक की तरफ से भी सेंटर टू तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या ता है ताकि कल को, को कोई बीजेपी का कोई इल्जाम ना लगाए कि आप ही ने कहा था हम लोगों ने पब्लिक में कहा है कि दो को के सेंसस को आप पहले इसी के हिसाब से आपको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा आज डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम क्या है जिसमें हर किसी को इख्तलाफ है कि इन्होंने 2011 का जो सेंसस से, है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन को प्रपोजल्स देने का सवाल बनता है डिलिमिटेशन कमीशन जब कश्मीर आई वो हर पोलिटिकल पार्टी से मिले ललित में हर पॉलिटिकल पार्टी ने यहां पे उनको अपना प्रपोजल दिया वो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से भी मिले उन्होंने भी अपने प्रपोजल्स दिए वो एन से मिले एनजीओ ने भी अपने प्रपोजल्स दिए करीबन करीबन 100 टू डेढ़ सौ ऑर्गेनाइजेशन सरपंचज उनके पास डेढ़ सौ प्रपोजल्स आए तो ये कहना कि उस... दो हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि हम इनको प्रपोजल दे रहे हैं लेकिन हमको इन लोगों पे भरोसा नहीं है ये हम लोगों ने फर्स्ट डे से बोला था कि इनकी नीयत कश्मीर के लिए ठीक नहीं है ये हिंदू में भी हम लोगों ने कहा था जुलाई में जब ये लोग आए थे इंडियन एक्सप्रेस में भी कहा था कोई अखबार आया था हमने कहा था वी डू नॉट ट्रस्ट दिस पोलिटिकल पार्टी बट हाँ हमारा ये मंशा है कि ये ये चीजें जो होनी चाहिए ये होनी चाहिए 2011 के सेंसस के हिसाब से होना चाहिए कश्मीर के लोगों के साथ कुछ भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन um, नहीं होना चाहिए और 2011 के सेंसस को आप लीजिए इनफैक्ट उमर साहब के बयान आप देखिए इस प्रपोजल आने से पहले हर किसी को उन्होंने कहा है कि 2011 का सेंसस शुड बी द सेंट्रल पॉइंट बट अनफॉर्चुनेटली यू नो दिस इज बीजेपी इज गवर्नमेंट और ये लोग मतलब अब मुझे लगता है कि जिनको लगेगा भी ये लोग कुछ ठीक करेंगे कश्मीरियों के लिए वो हो सोचना भी बेवकूफी है तो नजर आप, मैं आपको यह भी बता दूं कि हाल ही में जो शायद अभी पूरी नॉलेज नहीं है कब तक असेंबली इलेक्शंस जो है वादी कश्मीर में होंगे तब जो पॉलिटिकल पार्टीज है आपसी आप पता ही है लोगों को लोगों को तो बोलने की जरूरत नहीं कि क्योंकि ये तो मुझे लगता है पिछले सत्तर सालों से यही देखता आ, 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 रहे हैं लोग के आपसी में पॉलिटिकल पार्टीज जो है काफी ज्यादा आपस में आ, इल्जाम लगा रहे हैं जैसे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब पर को भी कहा था भी हम जी बिल्कुल बिल्कुल अलता हूँ आपने 40 बार मुझे लग रहा है देखिए देखिए मुझे इफरा जी देखिये मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इस वक्त जो आप पर इल्जाम लगा रहे मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ देखिए अगर

इल्जाम लगाता है और सजाद गोन इन पे इल्जाम लगाता नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए मैंने ये कहा कि उमर साहब ने हाल ही में एक ये बयान दिया था कि सजाद गनी लोन साहब ने उमर साहब को जो है टारबाज कहा था ठीक है मैं मैं देखिए मेरी आवाज आस... उन्होंने तो गिलानी साहब को भी झूठा और फिलहाल मैं फिलहाल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस टाइम बात कर रहा हूं और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बीजेपी की बात कीजिए हम पे देखिए देखिए हम लोगों पे तीन लोग इल्जाम लगाते हैं ये अगर आप कोई भी अखबार देखेंगे उसमें अलताफ बुखारी भी है अपनी पार्टी का उसमें बीजेपी जम्मू भी है जो कहती है कि ये लोग तो ये हैं ये टेररिस्ट सपोर्टर हैं और उसमें पीसी भी है आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं पीसी पीसी सجاد लोन सجاد लोन भाई देयर आर थ्री पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर डूइंग इट एंड नेम ऑल थ्री पॉलिटिकल पार्टीज यू आर वेरी तो मैं भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए देखिए मैं भी यही कह रहा हूं कि ये आपसी इल्जाम लगा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें पीडीपी की बात करें या दीगर जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है जो आपकी पॉलिटिकल रहनुमा है चाहे फारूक साहब है या उमर साहब है या आपकी पी एच डी के स्पोक्स पर्सन त्रेगा साहब है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पैतीस ए और तीन सौ सत्तर के हवाले से क्या किया ये मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा जी। पहली बात तो शायद आपका सवाल यह होगा कि इन्होंने तीन सौ सत्तर को परमानेंट क्यों नहीं किया एक्टली exactly. हाँ। मैं आपका सवाल समझ गए। क्योंकि, क्योंकि हुकूमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफी ज्यादा यहाँ पर मुझे लगता है दी, दीगर पार्टियों से काफी ज्यादा रही है जी। दीगर पार्टियों से इतनी ज्यादा भी नहीं रही है हम लोग टोटल पॉलिटिक्स में ट्वेंटी थ्री रहे हैं अक्सर ये दिखाया जाता है कि हम सत्तर साल में हुकूमत थे हम सिर्फ ट्वेंटी थ्री हुकूमत में थे तो और वो भी आपको पता है शेख साहब कितने टॉलिस्ट लीडर थे और उन मतलब चाहे आपको डिसअग्रीमेंट हो अग्रीमेंट हो शेख साहब इलेक्शंस नहीं हारने वाले इंसान थे यू नो बट वन ऑफ द रीजंस वाई शेख साहब अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में सिर्फ 12 साल इकतदार में रहे इसलिए रहे क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपोजिशन कर रहे थे और आधी से ज्यादा जिंदगी तो उन्होंने जेल में ही काट ली अब आपका सवाल आर्टिकल 370 जो है ये एक सेंट्रल एक्ट है सेंट्रल एक्ट आप समझते हैं ना ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करनी होती है ये चेंज स्टेट की गवर्नमेंट नहीं ला सकती है ये चेंज जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट में क्या एक दो मेंबर तीन मेंबर रह चुके हैं और वहां पे करीबन यू विल नीड अराउंड आपको करीबन 300 सौ एम मेंबर पार्लियामेंट चाहिए ऐसी कोई चेंज करने के लिए हम 300 सौ पार्लियामेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ से लाएगी बट जहाँ तक यहाँ के लोगों की बात थी ये ज़रूरी है कि बोलना कि आर्टिकल 370 जो है और वो एक तरह का इल्हाक था एक अग्रीमेंट था यहाँ के लोगों के बीच और अम, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच तो ऑब्वियसली जब इलाहाक को तोड़ना होता तो इलहाक दोनों तरफ से टूटता है है ना मतलब वो भी तोड़ेंगे हम भी तोड़ेंगे लेकिन उन्होंने क्या किया उस टाइम पे उन्होंने आर्टिकल उस टाइम पे गवर्नर को मतलब दो साल पहले उन्होंने यहाँ की सरकार को तोड़ दिया क्योंकि उनको पता था कि यहाँ की सरकार ये इलाहा तोड़ने को तैयार राजी नहीं होगी उन्होंने सभी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में रखा उनको पता था ये तोड़ेंगे नहीं गवर्नर जो था उस टाइम का सत्यपाल मलिक उसको उन्होंने लीगली यहाँ के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाया और कहा कि सत्यपाल मलिक जो है वो यहाँ के लोगों की तरफ से ये इलाहाक तोड़ेगा और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली ये मानने को कोई भी कोर्ट तैयार नहीं होगा कि एक गवर्नर जिसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया है एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्नर कैसे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा ना ऑब्वियसली तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल तीन की जो सुनवाई है उसमें जो गवर्नमेंट इस टाइम पर आएगी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या क्योंकि वो यहाँ के लोगों की तरफ से बात करेंगे और वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिसाइड करेगी कि क्या उनको आर्टिकल 370 चाहिए या नहीं चाहिए इसीलिए जो आने वाले इलेक्शंस होंगे वो इंपॉर्टेंट है और इसीलिए बीजेपी जो है इस हद तक कोशिश कर रही है पावर में आने के लिए जम्मू और कश्मीर तो नजरे अभी पता नहीं कि कब तक पोलिटिकल जो आ, एलेक्शंस uh, है या असम्बली एलेक्शन है ये कब तक uh, वादी कश्मीर में होंगे तबाल इफरा जी मैं आपसे uh, आखिर में ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी की तरफ से uh, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाए कि आने वाले एलेक्शन uh, में असम्बली एलेक्शनज uh, जो होंगे uh, आपकी नई पॉलिसीज़ क्या होंगी

के पास जाएंगे और इस केस को बहुत स्ट्रांग करेंगे क्योंकि उस टाइम पे हम यहाँ के लोगों के नुमाइंदे बन के कहेंगे कि आर्टिकल 370 हमको चाहिए ये एक छोटा सा स्टेप होगा और जो इस टाइम पे ये ज़मीनी कानून आपको पता है ये कल रियल इस्टेट बना हमारी आधी कश्मीर को उन्होंने सेल पे लगा दिया जो रियल एस्टेट सबमिट इन्होंने कर दिया ऐसे ऐसे खदशात जो हो रहे हैं हमको अभी ये छोटी छोटी चीज़ें लग रही हैं लेकिन हम डूब रहे हैं आपको समझना पड़ेगा यहां की आवाम डूब रही है इस पर एक चेक और बैलेंस लगाने की बहुत जरूरत है इसीलिए जो गवर्नमेंट आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आएगी इन चीजों पे इतने ज्यादा यूएपीए केसेस हजारों की तादाद में ये केसेस लगाना यहाँ पे यहाँ की जमीन को यहां के लोगों के रिसोर्सेज को चाहे जम्मू हो कश्मीर उसको सेल पे डालना

थैंक यू मेरे बच्चों का एक हसीन सपना है एक कामयाब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का लेकिन बच्चों को दूर भेजने का डर कहीं मेरा ये डर बच्चों का फ्यूचर ना खराब कर दे मंजिल दूर थी लेकिन इरादे मजबूत थे सो वो आ गए मोशन कोटा क्लासरूम पुलवामा अब श्रीनगर जाने की क्या है जरूरत जब हमें पुलवामा में मिल रही है कोटा जैसी फैसिलिटी वो भी बस सर्विस के साथ